नमस्कार दोस्तों, बीएससी ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की आप लोग की इस एसएससी एमटीएस की क्लास में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम दोस्तों यहां पर 2018 से 19 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जनरल अवॉर्डनेंस यानी कि करंट अफेयर के सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन आज आप लोगों को कराने वाले हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहेगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग जो है प्रिपेयर करते हुए चलेगा। साथ ही साथ में टोटल आज हम यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सबको एक छोटा सा टारगेट लेकर चलना कि कैसे भी करके आपको 40 प्रश्नों को बिल्कुल सही करके दिखाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और यदि आप लोग चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट पाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों को ही ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि समय से सारी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट, नोटिफिकेशन और पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल हो सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। फिलहाल दोस्तों आज आप लोग की करंट अफेयर के पार्ट नंबर सेकेंड है। पार्ट वन में मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज पार्ट टू में भी हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं फिलहाल हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी को क्या बताना है, किस देश ने अभी हाल ही में प्लास्टिक की थैली और अन्य डिस्पोजेबल उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल इस देश का नाम आपको बताना है। तो देखिए सही जवाब है फिलहाल आप लोग का यहाँ पर श्रीलंका। ठीक है, जब किसी एक देश की सबसे बड़ी डंप जो है अप्रैल में ढह गई थी तो उसके निपटान संकट के लिए फिलहाल यहाँ पर श्रीलंका ने जो है यहाँ पर आप सभी को बता दें प्लास्टिक के जितने भी उत्पाद थे उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका बी वाला। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि लुइसियाना अमेरिकी खाड़ी तट को तूफान जो है यहाँ पर किसने लगाया, डॉली, नॉर्मन, हार्वे या फिर इसाबेल। तो देखिए आपको बता दें फिलहाल यहाँ का करेक्ट आंसर है आप लोग का हार्वे। ठीक है ना, तो अमेरिकी खाड़ी तट को तूफान जो है फिलहाल लगाया, ये कौन सा लगाया यहाँ पर, यह है आप लोग का हार्वे। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। देखिए डिजिटल पेमेंट कंपनी एड्स कैश भागीदारों के साथ कौन सा जीवन बीमा प्रदाता सामान्य बीमा उत्पादों की पेशकश करता है। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए सही जवाब है आप लोग का HDFC एर्गो। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बी वाला। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका ये रहा सामने। प्रमुख ऑप्टिकल फाइबर केबल निर्माण में से एक अक्षय ऑप्टीफीवर ने राष्ट्रीय स्तर की बैंकिंग संवाददाता अनुबंध हासिल किया है। तो किस बैंक ने यहाँ पर बैंकिंग कियोस्क की स्थापना की है। तो देखिए सही जवाब फिलहाल आप लोग का बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। देखिए अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि फिक्की के नए महासचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि फिक्की के नए महासचिव के तौर पर कौन नियुक्त किया गया, पंकज पटेल, रशेश शाह, दीदार सिंह या फिर संजय बारू। तो देखिए दोस्तों आपको बता दें फिलहाल करेक्ट आंसर जो होगा ये है आपका संजय बारू। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, आप सभी के सामने। राष्ट्रीय उद्योग उपाध्यक्ष के उपाध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया गया है। तो देखिए सही जवाब फिलहाल आप लोग का जो है ये है यहाँ से राजीव कुमार, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं आप लोग का दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने। वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय ने नए सचिव का प्रभार जो है ये जो है किसने ग्रहण किया है। तो दोस्तों आपको बता दें फिलहाल करेक्ट आंसर इसका भी है राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आप लोगों के लिए। अब चलते हैं फिलहाल आप लोग के अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में फिलहाल किसे नियुक्त किया गया है या फिर नियुक्त कौन किया गया। तो देखिए दोस्तों इनका नाम है JI पिल्ले। तो ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आप लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। श्री शक्ति सम्मान के साथ किसने जो है सम्मान किया है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि श्री शक्ति सम्मान के साथ किसने सम्मान किया है, JP मॉर्गन, पल्लुल महाजन, दिवा सोलंकी या फिर निपुण जामवाल। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, सही जवाब है आप लोग का पारुल महाजन। तो आपका आंसर आ जाएगा फिलहाल यहाँ से पल्लुल महाजन, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखते हैं यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है। AIFF ने भारत की नंबर वन के जमीनी स्तर की अकादमी के नाम पर कौन सा अकादमी का नाम रखा है। तो देखिए करेक्ट आंसर आप लोग का है रिलायंस फाउंडेशन युवा चैंप्स। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से डी। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए अब आप सभी लोग यहाँ पर बताएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊँचा रेन कोस्टल बनाया गया है। दोस्तों किस देश में दुनिया का सबसे ऊँचा रेन कोस्टल बनाया गया है, ये देश है फिलहाल आप लोग का जर्मनी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा आपका सी। अब देखते हैं आप लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन किस जगह पर शुरू हुआ,
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन फिलहाल ये जिस स्थान पर शुरू हुआ है वह स्थान है काठमांडू, तो ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2018 के लिए कितने परसेंट सकल मूल्य में जो है जोड़ा गया दर का अनुमान लगाया गया है। तो फिलहाल यहाँ से जो है यहाँ पर आपकी सकल मूल्य जो है कितना प्रतिशत है 2018 के लिए, तो ये है आपका 7.3%, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिलहाल देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए SBI के शोध रिपोर्ट में SBI के अनुमान लगाया है कि भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है कितने परसेंट नीचे जा रही है। तो देखिए यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा आपका 6.5%, तो आपका आंसर आएगा डी वाला। दोस्तों जो GDP है इसकी वृद्धि दर जो है फिलहाल 6.5% नीचे जा रही है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है, इस बैंक के फिलहाल CEO कौन है, तो इनका नाम है राजीव यादव। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ए। अब देखते हैं फिलहाल आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए आपको यहाँ पर क्या बताना है, DRDO DG के अनुसार भारत को अगले 10 वर्षों में कितने अरब डॉलर के सैन्य उपकरणों की आवश्यकता होगी। तो देखिए सही जवाब फिलहाल आप लोग का है 150, करीब 150 अरब डॉलर के सैन्य उपकरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने। राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किसको किया गया है, तो करेक्ट आंसर है आप लोग का देश दीपक वर्मा, यानी कि ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं फिलहाल आप लोग का अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए कोल इंडिया के पिछले अध्यक्ष सुतीर्थ भट्टाचार्य की जगह किसने बदल दी है, तो देखिए यहाँ से आपका सही जवाब आएगा फिलहाल गोपाल सिंह, तो ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए भारत में अमेरिकी दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ से आपका सही जवाब है फिलहाल केनेथ जस्टर, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी केनेथ जस्टर। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं फिलहाल आप लोग का अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। आपको यहाँ पर यह बताना है कि किस हवाई अड्डे ने ऊर्जा दक्षता पुरस्कार जीता है, वो कौन सा हवाई अड्डा है जिसने ऊर्जा दक्षता पुरस्कार जीता है, तो फिलहाल आपको बताते हैं ये है आपका हैदराबाद हवाई अड्डा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि कौन से हवाई अड्डे के बैग ऊर्जा दक्षता पुरस्कार मिला है, कौन सा वह हवाई अड्डा है जिसके बैग ऊर्जा दक्षता पुरस्कार मिला है, तो देखिए इसका जो नाम है ये आपका हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए आप लोग बताइएगा भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है, तो देखिए भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है, तो इनका नाम है फिलहाल आप लोग का निर्मला सीतारमण जी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए अब आप लोग यहाँ पर बताइएगा राजकोट में सौंडी योजना के लिंक 4 के लिए नीम का पत्थर कौन रखेगा। देखिए इसकी नींव का जो पत्थर है ये फिलहाल रखेंगे श्री सम्मान्य श्रीमान, ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद जी, तो करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का यहाँ से डी वाला। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने। देखिए यहाँ पर आपको बताना है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जो है फिलहाल यहाँ पर मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो देखिए यहाँ पर किसके मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो देखिए सही जवाब है आप लोग का युवा मामले एवं खेल मंत्री केंद्रीय के मंत्री के तौर पर फिलहाल नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका सी वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन है आप लोग का फिलहाल अर्थव्यवस्था यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, तो आइए देखते हैं। देखिए RBI में भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था के रूप में किस बैंक को शामिल किया गया, तो RBI ने जो है फिलहाल तीसरी सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था के रूप में जिस बैंक को शामिल किया है ये है आप लोग की HDFC बैंक, यानी कि आपका आंसर आएगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है ODI क्रिकेट में 100 स्टंपिंग के लिए पहला विकेट कीपर कौन बनता है, तो देखिए यहाँ से करेक्ट आंसर आपका आएगा MS धोनी, ठीक है, करेक्ट आंसर फिलहाल आपका क्या है आएगा आपका सी वाला MS धोनी। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के सामने। देखिए वित्तीय समावेश के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए किस बैंक ने छोटे बैंकों में सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार जीता है, तो देखिए करेक्ट आंसर फिलहाल आप लोग का जो होगा वो है आप लोग का कोटक महिंद्रा बैंक। ओके फ्रेंड्स, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में US राजदूत के रूप में किसने नामांकित किया गया है, तो फिलहाल ये है आप लोग के अल्बर्ट पीटर वर्ले। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने। अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो बाहरी अंतरिक्ष में 288 दिन के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं,
तो ये फिलहाल महान व्यक्ति हैं आप लोग के, जिम लॉवेल। ओके फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, योगा आपका सी वाला। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों में सूचीबद्ध कौन सा बैंक है, तो ये है फिलहाल आप लोग का HDFC बैंक। करेक्ट आंसर क्या है, ये है आप लोग का HDFC बैंक। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा डी वाला। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चैरिटी के, अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए क्या दिया गया, चैरिटी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है, जो चैरिटी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है ये कब मनाया जाता है, तो ये करेक्ट आंसर इसका फिलहाल आप लोगों का आंसर है 5 सितंबर। ओके, इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी बीमा कंपनी IRDAI, ठीक है ना, IRDAI को अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, ठीक है ना, यानी कि IPO के लिए मिलती है, तो यहाँ से सही जवाब है आप लोग का रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। फिलहाल ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या मैंने आपको बताया, देखिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ये आप लोग के IRDAI को अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए मिलती है। इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कौन सा वो ऐसा देश है जिसने व्यक्ति और संगठनों को प्रारंभिक सिक्का प्रसाद यानी कि ICO के माध्यम से धन जुटाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, तो फिलहाल सही जवाब है आप लोग का, ये देश है आपका है चीन देश, ठीक है, इसने प्रतिबंध लगा दिया इस पर। इसके बाद देखेंगे आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ऑस्ट्रेलियाई NBL टीम द्वारा उठाए जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो देखिए यहाँ से सही जवाब आएगा आप लोग का, फिलहाल इनका जो नाम है ये है अमृतपाल सिंह, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, डी वाला, अमृतपाल सिंह। चलिए फिलहाल अब आपको बताने कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर एयरलाइंस यानी कि आपका आएगा यहाँ पर ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को मंजूरी देने के लिए कौन सा देश नॉर्वे सदस्य बन गया है, दोस्तों कौन सा देश जो फिलहाल आपका नॉर्वे सदस्य बन गया है, तो देखिए करेक्ट आंसर फिलहाल आपका आएगा, ये देश है आप लोग का सेशेल्स। ये क्वेश्चन फिलहाल कई बार आप लोग के साथ डिस्कस किया जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल ध्यान रखिए इस देश का नाम ये है फिलहाल आप लोग का सेशेल्स, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर एयरलाइंस एग्रीमेंट को मंजूरी देने के लिए जो है नौवां सदस्य बन गया। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, उपराष्ट्रपति श्रीमान वेंकैया नायडू जी ने राष्ट्रीय पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया है, तो टोटल इसके करेक्ट आंसर 219 शिक्षक जो इससे सम्मानित किए गए हैं। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, IPO के लिए SEBI की मंजूरी निम्न में से कौन सी है, तो देखिए ये फिलहाल है आप लोग का करेक्ट आंसर है आपका ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए IPO के लिए फिलहाल SEBI की मंजूरी जो है वो आप लोग के ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ही है। इसके बाद देखेंगे हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए हाल ही में कई क्षेत्रों में भारत और म्यांमार ने जो है यहाँ पर AMU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हाल ही में कई क्षेत्रों में भारत और म्यांमार ने यहाँ पर कितने AMU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये है फिलहाल 11। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़कर जाइएगा एग्जाम देने से पहले। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, 2017 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, तो देखिए विषय की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका था ब्रिक्स का जो था विषय, एक उज्ज्वल भविष्य के लिए मजबूत भागीदारी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में उजाला योजना शुरू हुई थी, देखिए वो कौन सा देश है जहां पर उजाला योजना शुरू की गई, तो फिलहाल ये है मलेशिया देश, मलेशिया में जो है आपकी उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद देखते हैं किस कंपनी ने 2018-23 के लिए प्रतिष्ठित इंडियन प्रीमियर लीग मीडिया अधिकार जीते हैं, तो देखिए सही जवाब आप लोग का होगा फिलहाल स्टार इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने, बॉलीवुड की अभिनेत्री का नाम क्या है जो कि पर्यटन ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली भारतीय महिला राजदूत बनी है, तो देखिए ये कौन है बॉलीवुड की, तो देखिए इनका नाम है परिणीति चोपड़ा, तो ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आएगा। देखिए ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, तो ये है फिलहाल बॉलीवुड की अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, ये जो है फिलहाल पर्यटन ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली महिला भारतीय महिला राजदूत बनी है। सॉरी, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लीडरशिप के लिए यहाँ पर दिया गया PLUS एयरलाइंस अलायंस प्राइस को किस भारतीय व्यक्ति से सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये महान व्यक्ति हैं आप लोग के NR नारायण मूर्ति, तो ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए नियुक्त CMD कौन है, देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए नियुक्त CMD कौन है, तो ये महान व्यक्ति आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, N. वैजेंद्र कुमार, ठीक है N. वैजेंद्र कुमार। इसके बाद देखते हैं आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने राष्ट्रीय पोषण राजनीति शहर जो है किस शहर से शुरू की है, फिलहाल ये शहर है आप लोग का नई दिल्ली,
इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है कि बाधाओं पर पार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महिला शिखर सम्मेलन द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो कौन सा देश के द्वारा किया जाएगा? फिलहाल ये है आपका नेपाल। ठीक है, तो बाधाओं के पार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महिला शिखर सम्मेलन नेपाल द्वारा शुरू किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया गया है आज का अंतिम, आपका ये प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय प्रेस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन नियुक्त किया गया है? तो ये आप लोग के विवेक गोयनका, और ये रहा दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न। अब आप सभी को इसका जवाब देकर बताना है, भारत और वो कौन सा देश है जिसके बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2017 आयोजित किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों भारत के साथ में ये दूसरा देश है, ये है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके बीच में यहाँ पर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2017 आयोजित किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप सभी लोग अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, आप सभी का जो है इसी तरीके से प्यार बना रहे, सपोर्ट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार।